ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਲਟ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗਨੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਐ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ ਪੁਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਚ ਹੀ ਥਾਣੀ ਐ ਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਰਾ ਬਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸਾਉਣਾ ਆਜਾ ਆਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਓਂਕੜਾ ਲਿਆ ਨੀ ਮਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਜੀ ਸੱਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਅਨਮੋਲ ਬਿਜਾਉਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਕੈਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਅੱਜ ਹਮ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡਲ ਹੈ ਤੋ ਆਰ/ਐਮ ਫੀਲਡ ਹੋਗਾ 기ਵਨ 댓 ਰਿੰਗ ਇਸ ਕਮੂਟੇਟਿਵ विद हैविंग यूनिटी ठीक है तो देखो भी स्टेटमेंट uh, क्या है एन आइडल एम ऑफ अ कमोडेटिव रिंग आर यूनिटी रिंग में यूनिटी ऑलरेडी है उसका कोई आइडल एम है वो मैक्सिमल कब होगा जब आर बाय एम क्या होगी फील्ड होगी जिनको नहीं पता मैक्सिमल आइडल क्या है तो भाई मैक्सिमल आइडल की वीडियो देख लो भी फटाफट पांच दस मिनट लगाओ फटाफट देखो भी जिनको नहीं पता फील्ड क्या है यूनिटी क्या है कमोटेटिव रिंग क्या है तो इनकी वीडियोस पहले देख कर आओ आप देन आपको ये थ्योरम समझ आएगी और ये पीयू के एग्जाम में बार बार आ रही है ठीक है अगेन एंड अगेन हर साल आ रही है तो देखो भी इसका प्रूफ क्या है इफ एंड ओनली इफ आ गया है तो भी दो तरफा है प्रूफ है ना एक बार समझ रहे हो कन्वर्स लेकर सब करना पड़ेगा आपको तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं भी सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं गिवन ठीक है आप गिवन क्या ले लो आप लेट आप आर बाय को क्या ले लो फील्ड ठीक है जिनको नहीं पता फील्ड क्या है पहले फील्ड वाली वीडियो देख लेना ठीक है आर बाय एम को आप क्या ले लो भाई फील्ड ले लो ठीक है जिनको नहीं पता आर बाय एम में किस टाइप के एलिमेंट होंगे आर प्लस एम टाइप के जिसमें से आर किसको बिलोंग करेगा भाई आर किसको बिलोंग करेगा भी वो रिंग को बिलोंग करेगा ठीक है इसमें आर बाय में इस टाइप के एलिमेंट होंगे और क्लेम क्या करना है हमने क्लेम क्या करना है क्या क्या है है ठीक है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर भाई एम क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर ये प्रूफ करना है ठीक है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर तो यहां पर क्या है आप क्या करो मैक्सिमल आइडल कैसे शो होगा मैक्सिमल आइडल जिनको नहीं पता फॉर दिस फॉर दिस वी हैव टू शो फॉर दिस वी हैव टू शो फॉर दिस वी हैव टू शो टू थिंग्स भी दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी नंबर वन एम आर के इक्वल नहीं है नंबर टू नंबर टू भाई अगर ठीक है m और r के बीच कोई i आ गया देन क्या होगा वो i किसके इक्वल होगा r के i किसके इक्वल होगा r के ठीक है i किसके इक्वल होगा r के ठीक है ठीक है इफ i इज आइडल ऑफ r सच दैट m और एम और आर के बीच अगर आई आ गया तो आई किसके इक्वल होगा आर के ये दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी ठीक है तो नंबर वन पे जाओ नंबर वन कैसे करेंगे नॉट इक्वल टू नंबर वन कैसे प्रूफ करेंगे है ना एज आर बाय क्या है भाई फील्ड है आर बाय क्या है फील्ड है फील्ड में दो एलिमेंट पक्के हैं भाई फील्ड में दो एलिमेंट पक्के हैं जीरो बार एंड वन बार जिनको नहीं पता जिनको नहीं पता तो मैं बता दू आर प्लस एम एलिमेंट किसका होता है आर बाय का इसी की शॉर्ट नोटेशन है इसी की शॉर्ट नोटेशन है आर बार आर बार इज अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ आर प्लस एम आर प्लस एम की शॉर्ट नोटेशन क्या है आर बार आर बार ठीक है एंड ये दोनों डिफरेंट होते हैं ठीक है ये दोनों डिफरेंट होते हैं यूनिटी इज नॉन जीरो एलिमेंट यूनिटी इनको नहीं पता यूनिटी वाली वीडियो देख लो यूनिटी वाली वीडियो में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है भाई यूनिटी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ये डेफिनेशन है ठीक है सच दैट आगे और भी है डेफिनेशन बट ये नेसेसरी कंडीशन है तो जो वन है वो जीरो के इक्वल नहीं है वन है वो जीरो के इक्वल नहीं है अब जीरो बार को क्या लिखा जा सकता है जीरो प्लस एम और वन बार को क्या लिखा जा सकता है वन प्लस एम जीरो बार को क्या लिखा जा सकता है जीरो प्लस एम वन बार को क्या लिखा जा सकता है वन प्लस एम तो है ना वन प्लस एम जो है वो एम के इक्वल नहीं आया ठीक है अब यहां पर किल वाला कंसेप्ट लगेगा कौन सा कंसेप्ट लगेगा किल वाला एम आर को किल करता है ठीक है एम आर को किल करता है जब आर किसका एलिमेंट हो भाई आर किसका एलिमेंट हो एम का तो अगर एम आर को किल नहीं कर पाया को किल नहीं कर पाया देन क्या होगा ठीक है आर जो है वो एम का एलिमेंट भी नहीं होगा यहां पर किल वाला कंसेप्ट लगेगा अगर एम जो है वो वन को किल नहीं कर पाया तो वन जो है वन जो है वो एम का एलिमेंट नहीं होगा वन है वो एम का एलिमेंट नहीं होगा ठीक है तो यहां अब अब आगे क्या लगने जा रहा है वन वन टेस्ट लगने जा रहा है ठीक है वन टेस्ट ऑफ आइडल अच्छा ये वन टेस्ट क्या होता है वन टेस्ट कहता है भी अगर वन किसी आइडल को बिलोंग कर गया तो वो सारा का सारा आइडल रिंग के इक्वल हो जाएगा और वन अगर किसी आइडल को बिलोंग नहीं किया तो वो आइडल बी आर के इक्वल नहीं होगा वो आइडल बी आर के इक्वल नहीं होगा अब यहां पर वन टेस्ट लगा दो वन अगर एम को बिलोंग नहीं कर रहा तो एम जो है वो आर के इक्वल नहीं होगा एम जो है वो आर के इक्वल नहीं होगा इंपॉर्टेंट है थ्योरम वीडियो को पॉज करो बैक करो इस वाले पोर्शन अच्छे से समझो इसको समझो इंपॉर्टेंट है थ्योरम इसको ध्यान से समझो ठीक है कॉपी पर नोट करो बिना कॉपी पर नोट किए ये आपको ईजिली समझ नहीं आएगी आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं अब आपने क्या शो करना है नंबर टू पर अगर एम और आर के बीच आई आ गया तो आई किसके इक्वल होगा आई किसके इक्वल होगा आर के ठीक है तो आप क्या ले लो लेट आई बी आइडल ऑफ r लेट आई बी आइडल ऑफ r such that भई आई किसके बीच आ गया भई आई किसके बीच आ चुका है m और r के बीच m और r के बीच आ चुका है ठीक है अब यहां पर देखो भाई एक रिजल्ट है एक रिजल्ट है क्या रिजल्ट है भाई अगर I कंटेन कर रहा है J में J कंटेन कर रहा है R में I भी इसका आइडल है और J भी इसका आइडल है दोनों ही इसके आइडल हैं अगर दोनों ही इसके आइडल हैं देन क्या होगा J बाय I आइडल होगा R बाय I का ये कंसेप्ट याद रखना ये मैं क्वेश्चन रिंग वाली वीडियो में भी बता चुका हूं क्वेश्चन रिंग वाली वीडियो में भी बता चुका हूं अगर आई कंटेन कर रहा है जे में में कंटेन कर रहा है दोनों आइडल है आर के देन जे बाय आई आइडल होगा आर बाय आई का जे बाय आई आइडल होगा आर बाय आई का तो यहां पर क्या है भाई आई बाय एम जो है वो आइडल होगा आर बाय का आई बाय जे है वो आइडल होगा आर बाय का बट आर बाय जो है वो क्या है वो फील्ड है भाई आर बाय एम क्या है वो है फील्ड एंड फील्ड हैज ओनली ओनली टू आइडल्स किसी भी फील्ड के दो ही आइडल्स होंगे मैक्सिमल आइडल वाली वीडियो में बता चुका हूं इसको दोबारा से वो वीडियो देख लेना भी फील्ड के दो ही आइडल्स होंगे फील्ड के दो ही आइडल होंगे जीरो और एक फील्ड इट फील्ड के दो ही आइडल्स होंगे ठीक है तो देर फोर अब आर बाय एम के दो ही आइडल होंगे एक तो जीरो बार वाला और एक आर बाय एम इट सेल्फ एक आर बाय एम इट सेल्फ सो देर फोर आई बाई एम ठीक है आई बाई एम कैन बी ठीक है जीरो बार जीरो बार मतलब जीरो प्लस एम और आर बाय एम दोनों में से एक हो सकता है अभी भी दोनों में से एक हो सकता है इफ आई बाय जो है if i by m जो है वो ठीक है इसके इक्वल हुआ ठीक है इसके इक्वल हुआ 0 m के अगर वो इसके इक्वल हुआ ठीक है अगर वो इसके इक्वल हुआ तो अगर आपने इसका कोई एलिमेंट लिया ओके okay, भी अगर आपने इसका कोई एलिमेंट लिया लेट x plus m बिलोंग्स टू i by m ठीक है या आप क्या ले लो लेट आप एलिमेंट ले लो लेट एक्स बिलोंग्स टू आई बी एनी एलिमेंट लेट एक्स बिलोंग टू आई बी एनी एलिमेंट एक्स प्लस एम किसको बिलोंग करेगा वो आई बाई एम को करेगा एक्स प्लस एम किस बिलोंग करेगा वो आई बाई एम को बिलोंग करेगा ये रिजल्ट है अगर आर कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा है तो आर प्लस एम किसको बिलोंग करेगा आर बाय को और अगर आर यहां पर किसको बिलोंग कर रहा था आई को तो आर प्लस एम किसको बिलोंग करेगा आई बाय एम को छोटी छोटी चीजें हैं बट काम की हैं आपने साइड पर लिख लेनी है कॉपी पर साइड पर लिख लेनी है ठीक है तो एक्स प्लस एम किसका एलिमेंट होगा आई बाय एम का आई आई बाय एम में एक ही एलिमेंट है I by M में एक ही एलिमेंट है वो क्या है जीरो प्लस M तो X प्लस M किसके इक्वल आ गया भाई किसके इक्वल आ गया M के क्योंकि एक ही एलिमेंट है उसमें तो अब यहां पर है ना यहां पर क्या है M प्लस X इज इक्वल तू M आ गया किल वाला कॉन्सेप्ट आ गया M किल R M R को कब किल करेगा जब जब R किसका एलिमेंट होगा M का तो यहां पर x किसका एलिमेंट होगा m का x एलिमेंट किसका लिया था भी i का बिलोंग किसको कर गया m को दिस इंप्लाइज i किसका सबसेट हो गया m का नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि m जो है वो i का ठीक है ये ये रिलेशन है ये तो m जो है वो i के इक्वल ही नहीं हो सकता m जो है वो i के इक्वल ही नहीं हो सकता तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची तो भाई अगर i बाई एम जो है वो या तो इसके इक्वल हो सकता था या r बाय के तो दूसरी पॉसिबिलिटी कौन बची दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची सो देर फोर आई बाय जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा r बाय के I बाई एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा r बाय के ठीक है नाउ ठीक है वन प्लस एम किसको बिलोंग करेगा r बाय को ठीक है देखो वन वन किसको बिलोंग कर रहा है वन किसको बिलोंग कर रहा है R को क्योंकि डेफी स्टेटमेंट में दिया गया है ठीक है स्टेटमेंट में दिया गया है कि R जो रिंग है वो विद यूनिटी है वन तो प्लस एम किस को बिलोंग करेगा आर बाय को अब आर बाय किसके इक्वल आ चुका है आई बाई एम के तो इस वजह से वन किसको बिलोंग कर जाएगा भाई वन किसको बिलोंग कर जाएगा आई को भाई वन किसको बिलोंग कर जाएगा आई को अगर यहां पे अब वन Of लगा दो one test of क्या कहता है अगर वन किसी आइडल को बिलोंग कर गया तो वो आइडल किसके इक्वल हो जाएगा के 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 अब I किसके किसके आ आ गया R के. I किसके equal आ गया R के. So, हमने क्या प्रूफ कर दिया हमने क्या प्रूफ कर दिया फॉर एनी आइडल फॉर एनी आइडल आई ऑफ आर सेटिस्फाइंग फॉर एनी आइडल आई ऑफ आर सेटिस्फाइंग ये वाली कंडीशन भी अगर वो अगर वो आई आइडल एम और आर के बीच आने की कोशिश कर रहा है देन वो आई इक्वल आ रहा है आर के ये चीज क्या शो करती है ये चीज क्या शो करती है भी एम क्या है मैक्सिमल क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर भाई ये चीज क्या शो करती है एम क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर अब इसके कन्वर्स पार्ट पे जाओ कन्वर्स पार्ट पे जाओ कन्वर्सली हम क्या लेट कर लेंगे लेट एम क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर एम क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर और हम क्लेम क्या करेंगे टू शो क्या करेंगे भाई आर बाय क्या है फील्ड तो भाई फील्ड की डेफिनेशन क्या है फील्ड की डेफिनेशन क्या है फॉर दिस फॉर दिस वी हैव टू शो वी हैव टू शो नंबर वन बी आर बाय क्या होगी वो कमोटेटिव होगी जो कि फील्ड की डेफिनेशन है जिनको नहीं पता वो फील्ड वाली वीडियो पहले जाकर देख लो नंबर टू आर बाय में यूनिटी होगी नंबर थ्री एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट ठीक है यूनिट का नहीं पता तो भाई यूनिट वाली वीडियो जाकर देख लो भी ये तीन चीजें आपको शो करनी पड़ेंगी नंबर वन पे आ जाओ भी आर बाय एम इज कमोटेटिव आर बाय एम कटिव होता है ना तो आर बाय एम के दो एलिमेंट ले लो आप लेट आर वन प्लस एम कोमा आर टू प्लस एम बी टू एलिमेंट्स ऑफ आर बाय एम ठीक है तो इनकी मल्टीप्लाइकेशन जो है ठीक है इसकी इनकी जो मल्टीप्लाइकेशन है अच्छा इसको आप क्या लिख लिख सकते हो शॉर्ट नोटेशन में क्या लिख सकते हो आर वन बार इसको शॉर्ट नोटेशन में क्या लिख सकते हो आर टू बार भाई ठीक है इनकी मल्टीप्लाइकेशन जब आप करोगे तो मल्टीप्लाइकेशन कैसे होती है इन एलिमेंट्स की ये आर वन आर टू प्लस एम के इक्वल आ जाएगा ठीक है ये ऐसे मल्टीप्लाइकेशन होता है आई प्लस आइडल प्लस सॉरी इंटू बी प्लस आइडल किसके इक्वल आता है ए बी प्लस आइडल के इक्वल ऐसे मल्टीप्लाइकेशन होता है ठीक है बट ये दोनों किसके एलिमेंट है आर वन आर टू किसके एलिमेंट है रिंग के एंड आर क्या है

सो देर फोर आर बाय एम क्या बन गई क्या गई भाई कमोटेटिव रिंग बन गई भाई क्या बन गई कमोटेटिव रिंग बन गई नंबर टू पर हमने क्या शो करना है आर बाय एम हैज यूनिटी तो भाई आपको ये दे रखा है एज आर इज अ रिंग विद यूनिटी भाई आर में ऑलरेडी यूनिटी है देर फोर वन किसको बिलोंग करेगा भाई वन किसको बिलोंग करता है आर को देर फोर वन प्लस एम किस बिलोंग करेगा आर बाय को भी वन प्लस एम किस बिलोंग करेगा देखो ये रिजल्ट है अगर ए किसका एलिमेंट है आर का तो ए प्लस आई किसका एलिमेंट होगा आर बाय आई का ये रिजल्ट आप याद रखना ठीक है एंड चलो ये है ना एंड ए बार इंटू वन बार ठीक है ए बार इंटू वन बार ठीक है ए बार क्या होता है ए प्लस एम वन बार क्या होता है वन प्लस एम ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये दोबारा से ए बार आ रही सिमिलरली वन बार इंटू ए बार की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ए बार आ जाएगी सो देर फोर वन बार क्या है इज यूनिटी ऑफ आर बाय वन बार क्या है आर बाय एम की यूनिटी नेक्स्ट क्या हमने शो करना है नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय एम इज यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय एम इज यूनिट तो आप एलिमेंट क्या ले लो लेट नॉन जीरो एलिमेंट ले लो आर बाय एम का एनी एलिमेंट एनी एलिमेंट ले लो भाई एनी एलिमेंट ले लो एज ये जो एलिमेंट लिया है ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया है अब इसकी ये एक्स बार तो शॉर्ट नोटेशन है इसको आप क्या लिखोगे एक्स प्लस एम इसको आप क्या लिखोगे जीरो प्लस एम ठीक है तो एम प्लस एक्स जो है एम प्लस एक्स जो है वो एम के इक्वल नहीं आया ठीक है यहां पर किल किल वाला कंसेप्ट लगाओ ठीक है किल वाला लगाओ अगर I I के इक्वल नहीं आता तो R जो है वो आई का एलिमेंट नहीं है ठीक है किल वाला कंसेप्ट लगाओ और कब किल करता है जब वो उसका एलिमेंट होगा है ना अब यहां पर एक्स जो है वो एम का एलिमेंट नहीं है x जो है वो m का एलिमेंट नहीं है ठीक है x जो है वो m का एलिमेंट नहीं है ठीक है तो यहां पर इतना याद रखना हम ये लेट कर कन्वर्स में हम ये लेट करके चले हैं भी m क्या है मैक्सिमल आइडल m क्या है मैक्सिमल आइडल ठीक है नाउ नाउ ठीक है ये जो होता है जनरेटर वाला ऑलवेज आइडल होता है ये जनरेटर वाला जनरेटर वाला क्या होता है ऑलवेज आइडल ऑफ आर जिनको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है आइडल डेफिनेशन विद फेमस एग्जांपल आइडल डेफिनेशन विद फेमस एग्जांपल वो वाली वीडियो देखना ठीक है उसमें ये बताया था भी जनरेटर वाला आइडल होता है ठीक है जनरेटर वाला आइडल होता है ये किसके को आता है ठीक है या एक्स आर एक के जनरेटर वाला आइडल होता है ठीक है और दो आइडल्स की दो आइडल्स की प्लस भी आइडल होती है भाई ये भी एक रिजल्ट है दो आइडल की प्लस भी आइडल होती है ठीक है एम एंड ये वाला जो है आर आइडल ऑफ आइडल ऑफ आर ये दोनों आर के आइडल है सो देअर फोर इनका प्लस बी क्या होगा इनका प्लस बी क्या होगा ये भी आइडल होगा आर का इनका प्लस बी क्या होगा आर का आइडल क्लियरली एम जो है वो कंटेन करेगा इसमें बिल्कुल कंटेन करेगा और ये आगे किसमें कंटेन करेगा ये रिंग का आइडल है भाई ये किसका आइडल है रिंग का आइडल है ठीक है तो आप अगर ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो x जो है वो m को बिलोंग नहीं कर रहा ठीक है एज x जो है वो m को बिलोंग नहीं कर रहा बट जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है भाई इसको तो बिलोंग कर रहा है x ठीक है सो देयर फोर एक एलिमेंट का फर्क आने के कारण एक एलिमेंट का फर्क आने के कारण ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते सो देर फोर देर फोर ये बनेगा अपने पास भाई यहां पर हमें अन इक्वल यहां पर हमें अन इक्वल रखना पड़ेगा बट 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 भाई एम तो आर का सबसे बड़ा बेटा था ठीक है एम जो है वो आर का सबसे बड़ा बेटा है सबसे बड़ा बेटा मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ा बेटा का क्या मतलब भी, है मैक्सिमल आइडल है बट एम क्या है बट एम क्या है मैक्सिमल आइडल ऑफ आर एम जो है आर का मैक्सिमल आइडल है तो डेफिनेशन क्या कहती है अगर इनके बीच कोई आई आ रहा है ठीक है तो देन क्या होगा वो आई आई किसके इक्वल हो जाएगा भाई आई किसके इक्वल आ जाएगा आर के ठीक सो देर फोर ये जो है ये इसको R के इक्वल होना पड़ेगा भाई इसको R के इक्वल होना पड़ेगा ठीक है नाउ वन जो है वो R को बिलोंग कर रहा है और R अभी अभी हमने प्रूफ किया है किसके इक्वल आ गया m प्लस दिस है ना तो वन जो है वो इसको बिलोंग कर गया भाई वन इसको बिलोंग कर गया ठीक है अब इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे है ना वो वन इसमें इसका एलिमेंट आप क्या ले लो एक स्मॉल ले लो और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे X के मल्टीपल्स होंगे क्या होंगे X के मल्टीपल्स होंगे ठीक है वेयर ये जो है ना ये जो आता है साथ में ये रिंग में से आता है वाई किस बिलोंग करता है रिंग को ओके okay, तो वन इज इक्वल टू एम प्लस एक्स वाई आ गया ठीक है वेर एम किसको बिलोंग करेगा कैपिटल एम को स्मॉल किसको बिलोंग करेगा कैपिटल कैपिटल को नाउ नाउ किसके इक्वल आ जाएगा सॉरी ठीक है वन प्लस कैपिटल एम किसके इक्वल आ जाएगा वन वन की अभी अभी वैल्यू निकाली ना हमने वन की वैल्यू क्या निकाली है स्मॉल एम प्लस एक्स वाई ठीक है स्मॉल एम प्लस एक्स वाई ठीक है तो इसमें से आप स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के साथ रख दो स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के साथ रख दो अब एम जो है वो स्मॉल एम को किल कर देगा किल कर देगा क्यों किल करेगा भाई क्यों किल करेगा बिकॉज 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 स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम का ही एलिमेंट है सो देयर फोर है ना एम अपने एलिमेंट को किल कर देगा अब ध्यान से देखा जाए इसको राइट हैंड साइड को क्या लिखा जा सकता है एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एम यह लिखा जा सकता है अब इनके अगर मैं शॉर्ट नोटेशन यूज करूं

यूनिट वाली वीडियो देखी है तो उससे आपको पता चल जाएगा अगर ए बीज इक्वल टू वन आ रहा है तो हम ए को क्या बोल देंगे यूनिट तो यहां पर हम एक्स बार को क्या बोलेंगे यूनिट ऑफ किसका एलिमेंट है भाई ये आर बाय का एलिमेंट है तो उसका एलिमेंट उसका एलिमेंट यूनिट बन गया ठीक है दैट मीन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय इज यूनिट सो देर फोर आर बाय जो है वो क्या बन गई वो फील्ड बन गई फील्ड के लिए तीन चीजें चाहिए थी कमोटेटिव रिंग यूनिटी और नॉन जीरो एलिमेंट क्या होने चाहिए थे यूनिट तो इस वजह से ये क्या बन गई फील्ड सो देर फोर ठीक है हो गया आपका ये रिजल्ट हो गया प्रूफ कमोटेटिव रिंग में अगर एम मैक्सिमल आइडल है तो आर बाई एम क्या होगा फील्ड होगा तो ठीक है फील्ड होगा जिन्होंने मैक्सिमल आइडल वाली जिन्होंने मैक्सिमल आइडल वाली वीडियो देखी है जिन्होंने मैक्सिमल आइडल वाली वीडियो देखी है तो उनको पता होगा भाई ये जो होता है ये क्या होता है मैक्सिमल ठीक है पी जेड पी जेड जो होता है वो मैक्सिमल आइडल होता है z का जैसे ठीक है तो देर फोर फिर अगर ये वाला अगर ये वाली थ्योरम लगाए तो z बाय पी जेड क्या होगा फिर z बाय पी जेड क्या होगा फील्ड होगा अगर ये वाला रिजल्ट लगाए ठीक है z बाय पी जेड क्या होगा फील्ड होगा वेर पी क्या होगा इज अ प्राइम ठीक है जी तो ये थ्योरम जो है ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है कॉपी पर नोट करना है और कॉपी पर नोट करके आप इसको कम से कम छे बार लिख कर देखना है ठीक है जैसे छोटी क्लासेज में टीचर कहता था ना इसको पांच बार लिख कर लाओ तो आपने इस थ्योरम को पांच छोड़ के छह बार लिख कर देखना है क्योंकि ये जो थ्योरम है ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हर साल आ रही है ठीक है जी तो भाई एग्जाम्स आ रहे हैं तो भाई ऑल द बेस्ट तो बनता है ऑल द बेस्ट